मध्य प्रदेश में जनता को लुभाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जहां पिछले दिनों चुरहट विधानसभा क्षेत्र में उन्हें काले झंडे दिखाए गए, तो वहीं अब उज्जैन में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, यहां तक कि उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया गया, जिसे लेकर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। 15 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज सीएम शिवराज सिंह चौहान जीत का चौका लगाने के सपने तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि सूबे में लगातार उनके विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला उज्जैन जिले का है, जहां शिवराज से नाराज कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। इस पथराव से सीएम के काफिले में शामिल पुलिस के वाहनों के कांच टूट गए और दो पुलिस कर्मियों को चोटें भी आईं। घटना के बाद से ही पथराव करने वाले लोग फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर सवार होकर ताल थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे। उनके साथ सुरक्षा बल और पार्टी नेताओं के वाहनों का काफिला भी था। तभी कुछ युवकों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए पथराव कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अभी तक दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जन आशीर्वाद यात्रा को करनी सेना के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। महिंदपुर पहुंचने तक तीन जगह करनी सेना के सदस्यों ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस को लगभग 150 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसे सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों से निकाला जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।